नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनुपमा सोनी। सुनने में आया है कि इंस्टा अपने फॉलोअर्स को अब पेड सर्विसेज देने वाला है। इंस्टा एक बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय माध्यम है, स्पेशली कोई युवा वर्ग के लिए जो कि उसके अंदर अपनी फैन फॉलोइंग को फॉलो करते हैं, पब्लिक फिगर्स को, सेलिब्रिटीज को, कई सितारों को जो है इंस्टा पे फॉलो किया जाता है और उनकी मिलियंस में फैन फॉलोइंग रहती है। तो जिस तरीके से सोशल मीडिया एक बहुत ही सशक्त माध्यम है आजकल किसी भी जानकारी को, इन्फॉर्मेशन को तुरंत हासिल करने के लिए, तो इंस्टा भी एक बहुत ही सशक्त माध्यम है स्पेशली युवा वर्ग के लिए। तो अगर इंस्टा ने इस तरीके से कुछ भी पेड सर्विसेज स्टार्ट करी है तो मुझे लगता है उनको एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। अगर वो इस माध्यम से धन कमाना चाहते हैं तो एक सेटबैक उनको हो सकता है कि युवा वर्ग उस उनकी फॉलोअर्स को छोड़कर युवा वर्ग अपना एक नया कोई माध्यम तलाश ले और उस माध्यम पे फिर नई तरीके से एक इंस्टा की तरह नया ऐप क्रिएट हो जाए। तो मुझे लगता है कि इंस्टा को दोबारा इस बारे में सोचना चाहिए और इसको इसकी सर्विसेज को फ्री करना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी सभी लोग इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहते हैं। हम अपनी बातें अपने फ्रेंड्स, अपनी सोसाइटी तक इजीली इंस्टाग्राम के थ्रू पहुंचा सकते हैं। इंस्टाग्राम काफी ट्रेंडिंग हो गया है और यूथ्स भी के लिए भी ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। सेलिब्रिटीज अपनी बातें वहां तक, यूथ्स तक पहुंचाकर और लोगों तक पहुंचाकर उनको काफी प्रेरित करते हैं। इसी बीच ये खबर ट्रेंडिंग हो रही है कि इंस्टाग्राम चार्जेबल होने जा रहा है। मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम के चार्जेबल हो जाने के बाद जितना फुटफॉल और जितना लोग अभी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि चार्जेबल होने के बाद इतना अट्रैक्शन वहां होगा। लोग वहां से डाइवर्ट होकर किसी और सोशल मीडिया पर जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम को एक बार अपने चार्जेबल होने पर विचार करना चाहिए। जैसा कि जानकारी में आया है कि इंस्टाग्राम अपनी सर्विसेज को चार्जेबल करने वाला है, यह जानकर हम जैसे युवाओं को काफ़ी निराशा हाथ लगी है। तो हम इंस्टाग्राम की मैनेजमेंट टीम से निवेदन करेंगे कि वो इंस्टाग्राम की सर्विसेज को चार्जेबल ना करें, क्योंकि हमारे विचारों को व्यक्त करने के लिए एक इंस्टाग्राम ही है जो सोशल मीडिया पे सबसे प्रचलित माध्यम है। मेरे हिसाब से तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हम सभी यंगस्टर्स स्पेशली सिर्फ इसलिए यूज़ करते हैं कि लोगों से कनेक्ट कर सके, लोगों से बात कर सके, दोस्तों से बात कर सके, दूरी को कम रख सके। लेकिन अगर इसको चार्ज किया जाएगा तो मतलब पर्सनली मुझे तो नहीं लगता कि मैं ज़्यादा यूज़ करूँगा फिर उसे आगे। ज़रूरी नहीं है कि अब मैं पूरे टाइम इंस्टाग्राम या फेसबुक पे रहूँ ही एक्टिव, फिर हम कोई और सोर्स देखेंगे जो फ्री हो ऑफकोर्स, क्योंकि हम पैसे देना नहीं चाहते इन सब चीज़ों के लिए, फिर हम फ़ोन पे ही बात कर लेंगे। इंस्टाग्राम मोस्टली मैं अपने मीम्स और अपने मतलब फ्रेंड्स को वैसे डीएम वगैरह करने के लिए यूज़ करता हूँ। लेकिन अगर पेबल हो जाएगा सही है, बिकॉज अगर मी बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर अगर मैं रहूँगा तो फिर मेरे भी सही रहेगा, मेरे मोनेटाइजेशन भी सही रहेगा और जो मेरे को मेरी टारगेट ऑडियंस हो जाएगी वो पता लग जाएगी कि लाइक कैसे लोगों को मैं अट्रैक्ट करता हूँ, किस किस सेंस में वो देखना चाहते हैं मेरी वीडियोज़ को, और हमारा दोनों का सही रहेगा। ऑडियंस को भी पे करने को मिलेगा, हमें भी थोड़े वहाँ से लाइक एक आउटकम कुछ मिलेगा। इंस्टाग्राम वैसे मैं मेनली चैट्स और मीम्स और रील्स वगैरह के लिए ही यूज़ करता हूँ, और अगर वो प्रीमियम आ जाता है, उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, तो मैं हो सकता है मैं अलग प्लेटफॉर्म पे स्विच कर लूँ।